वेरी गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स, मैं प्रीति शर्मा, लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी। और आज हम डिस्कस करेंगे लाइब्रेरी साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, अलर्टिंग सर्विसेज, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे एचडीआई और सीएस के बारे में। एचडीआई जिसे हम कहते हैं सिलेक्टिव डेसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, और करंट अवेयरनेस सर्विसेज। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं एचडीआई क्या होती है। तो एचडीआई रेफर्स टू टूल एंड रिसोर्सेज यूज्ड टू कीप अ यूजर इन्फॉर्म्ड ऑफ न्यू रिसोर्सेज on specified topics including the current awareness services used to inform about new library collection। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ये current awareness मतलब services भी इसमें include होती हैं HDI में। और पहले मैं current awareness service के बारे में बता देती हूँ। current awareness service basically जो common users होते हैं उनके लिए लाइब्रेरी द्वारा एक सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है, जिसमें जो भी लाइब्रेरी के नए कलेक्शन ऐड होते हैं, चाहे वो न्यू बुक्स हैं, न्यू जर्नल्स हैं, रिसर्च पेपर हैं, आर्टिकल्स हैं, या कोई भी इस तरह का मतलब इवेंट्स हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो जितने भी लाइब्रेरी यूजर्स होते हैं उन सबको ये चीज़ें इन्फॉर्म की जाती हैं विद द हेल्प ऑफ नोटिस बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड, या फिर लाइब्रेरी ओरिएंटेशन प्रोग्राम के थ्रू, या फिर न्यू अराइवल्स के थ्रू भी हम उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि कौन कौन सा हमारे पास न्यू कलेक्शन लाइब्रेरीज में ऐड हुआ है। और अगर हम बात करें एचडीआई की, तो एचडीआई जैसे कि नाम से ही मतलब इंडिकेट हो रहा है कि सिलेक्टिव डेसिमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, जिसमें कि कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ यूजर्स को सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है उनकी नीड और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। और HDI को एक तरह से हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ करंट अवेयरनेस सर्विस बाय विच स्पेसिफिक टाइप ऑफ यूजर हैव टू इन्फॉर्म बाय द मैकेनिज्म और प्रोग्राम बाय द लाइब्रेरी एंड न्यू लाइब्रेरी कलेक्शन अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड इंटरेस्ट। मतलब कि हम लोग करंट अवेयरनेस सर्विस में कॉमन यूजर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, वहीं HDI में स्पेसिफिक टाइप ऑफ यूजर्स को उनकी नीड और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि हमारे पास लाइब्रेरीज में क्या क्या कलेक्शन नए ऐड हुए हैं। और अगर बात करें कि फाउंडेशन कहाँ से इसकी स्टार्ट हुई है या फिर इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो जो कॉन्सेप्ट है सिलेक्टिव डेसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन का, सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था हैंस पीटर लुहान सर के द्वारा IBM में 1950 के दशक में। और द मैकेनिज्ड HDI सिस्टम बेस्ड ऑन लुहान्स डिज़ाइन वॉज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन 1959 एट द एडवांस सिस्टम डेवलपमेंट डिवीज़न ऑफ IBM कॉरपोरेशन एट योकटाउन हाइट न्यूयॉर्क। मतलब कि जो ये मैकेनिज्म है जो HDI की, वो सबसे पहले सिस्टम डेवलपमेंट डिवीज़न IBM में इस पर काम किया गया था 1959 में। और यहाँ पे एक डेफिनेशन बताई गई है जिसके द्वारा आप और भी आसानी से समझ सकते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। HDI सर्विस एज अ मैनुअल एंड ऑटोमेटेड सर्विस विच अटेम्प्ट्स फॉर अ पर्सनल सर्विस सिलेक्टिंग फॉर ईच इंडिविजुअल दैट आर रिलेवेंट टू हिम। मतलब कि जो HDI होता है वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप ऑफ यूज़र के लिए हम पर्सनल लेवल पे जो प्रोफाइल होती है उनकी, यूज़र्स की, और जो हमारा लाइब्रेरी का डेटाबेस होता है उसको मैच कराकर उनकी नीड एंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। और बात करते हैं अब ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स के बारे में कि कौन कौन से इसके ऑब्जेक्टिव हैं और कौन कौन से एम्स हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एम है कि टू अपडेट रिसर्चर एंड स्पेशलिस्ट। यानी कि बात करें हम इस अगर HDI की, तो हम रिसर्चर या जो एक्सपर्ट होते हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड में, तो उनको अपडेट करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ HDI एंड टू प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड CAS टू स्पेशलिस्ट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट न्यू कलेक्शन अकॉर्डिंग टू हिज और हर नीड। टू प्रिवेंट पैरेलल एजुकेशन एंड रिप्लिकेबल रिसर्च। यानी कि अगर सपोज डेट कोई रिसर्च स्कॉलर है या एक्सपर्ट है, वो किसी पर्टिकुलर फील्ड पे रिसर्च कर रहा है, तो उसकी जो पैरेलल रिसर्च चल रही हैं वो न्यू कलेक्शन जो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे चल रही है उसके थ्रू भी वो उससे उसको मैच करा सकता है और उसका भी कॉन्सेप्ट ले सकता है। साथ ही साथ एक तरह से हम कहेंगे रिप्लिकेबल, यानी कि रिपीटेशन भी नहीं होता कि सपोज डेट वो काम कॉन्सेप्ट पे काम हो चुका है तो वो अपने रिसर्च वर्क में वो दोबारा उस कॉन्सेप्ट को यूज़ नहीं करेगा और उसको नए रूप से वो मतलब अपने उस टॉपिक को यूज़ कर सकता है या उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड करके उस टॉपिक को वो बना सकता है। साथ ही साथ टू सेव द टाइम ऑफ रिसर्चर एंड स्पेशलिस्ट। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि ये यूज़र
स्पेसिफिक टाइप ऑफ यूज़र्स के लिए ये जो कॉन्सेप्ट HDI है, तो इसमें हम उसकी यूज़र्स की नीड के अकॉर्डिंग उसको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि यूज़र्स का टाइम सेव होता है। बिकॉज जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं या स्पेशलिस्ट होते हैं या फिर जो एक्सपर्ट होते हैं या साइंटिस्ट होते हैं, तो उनका जो टाइम होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस HDI की मदद से हम उनके टाइम को सेव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ HDI। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है यूज़र प्रोफाइल, देन डॉक्यूमेंट प्रोफाइल, फिर उसके बाद मैकेनिज्म और प्रोग्राम टू मैच द प्रोफाइल, एंड लास्ट में आता है यूज़र फीडबैक सिस्टम। सबसे पहले हम यूज़र प्रोफाइल को मेंटेन करते हैं, जिसमें कि यूज़र्स का डेटा होता है, यानी कि उसके नाम, उनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम और उनकी प्रेफरेंसेस। और देन आता है डॉक्यूमेंट प्रोफाइल, जिसमें कि हम जो भी हमारे पास न्यू कलेक्शन ऐड होता है, जैसे कि रिसर्च बुक या फिर हमारे जर्नल्स या आर्टिकल्स, तो उन सब का हम लोग डेटाबेस तैयार करते हैं। और फिर आता है मैकेनिज्म या प्रोग्राम की बारी, तो इसमें हम लोग जो हम लोग मैकेनिज्म या जो प्रोग्राम तैयार किया है HDI को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो उसमें हम दोनों को मैच कराते हैं। और देन बारी आती है फीडबैक की, जिसमें कि हम फीडबैक के द्वारा यूजर्स का फीडबैक लेते हैं और उनको फर्दर उसके अकॉर्डिंग हम लोग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो ये कंपोनेंट के बारे में डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ HDI। तो इसमें 4 स्टेप हैं, सिलेक्शन, नोटिफिकेशन, फीडबैक एंड मॉडिफिकेशन। तो सबसे पहले हम लोग सिलेक्शन करते हैं। तो सिलेक्शन का मतलब यहाँ पे ये है कि यूज़र प्रोफाइल और जो डॉक्यूमेंट हमारी प्रोफाइल होती है उसको मैच करने के बाद जो भी सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो उसे ही हम सिलेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत उन डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं। फिर बात आती है नोटिफिकेशन की। तो नोटिफिकेशन में हम लोग मेल के द्वारा वो जो सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स है उनको हम सेंड करते हैं जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ यूजर्स होते हैं। उसके बाद आती है बात फीडबैक की। उसके बाद जो हमारे यूज़र्स होते हैं वो हमें फीडबैक के द्वारा, हमें अगर उन्हें कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है या फिर उन्हें कोई पर्टिकुलर दूसरे टॉपिक पे चाहिए होती है इन्फॉर्मेशन, तो वो हमें फीडबैक के द्वारा इन्फॉर्म कराते हैं। और उसके बाद आती है बात मॉडिफिकेशन की, जो कि हम उनकी प्रोफाइल में मॉडिफिकेशन के बाद मॉडिफिकेशन करते हैं और उनकी प्रोफाइल को अपडेट करते हैं। तो ये प्रोसेस के बारे में था कि प्रोसेस कैसे होता है HDI के और स्टेप्स कौन कौन से फॉलो होते हैं इसमें। अब हम बात करते हैं, ये एक फ्लो डायग्राम के द्वारा हमने बताने की कोशिश की है कि ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है। तो इसमें आपको यूज़र प्रोफाइल दिख रही होगी। तो यूज़र प्रोफाइल बेसिकली जो भी चीज़ें होती हैं, मतलब यूज़र्स के रिगार्डिंग, उनकी प्रेफरेंसेस या फिर उनके नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम या उनका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, तो उन सबको हम यूज़र नीड एंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको यूज़र प्रोफाइल को मेंटेन करते हैं और यूज़र डेटाबेस को तैयार करते हैं। और नेक्स्ट बात आती है कि हमें डॉक्यूमेंट्स का डेटाबेस तैयार करते हैं। तो जो भी बुक्स आती हैं या जो रिसर्च आर्टिकल्स आते हैं, जर्नल्स आते हैं, तो इन सब का भी हम लोग एनालिसिस, इंडेक्सिंग और एब्स्ट्रैक्टिंग के बाद उसका भी हम लोग डेटाबेस तैयार करते हैं। और फर्दर जब हमारा यूज़र डेटाबेस और लाइब्रेरी का डेटाबेस तैयार हो जाता है, उसको हम मैच कराते हैं एक हमारे मैकेनिज्म या प्रोग्राम के द्वारा, और फर्दर हम नोटिफिकेशन के द्वारा यूज़र्स को इन्फॉर्म करते हैं कि बुक्स हमारे पास आपके अकॉर्डिंग आई है। और देन उसके बाद हमारे पास यूज़र का फीडबैक आता है। फीडबैक में वो फर्दर कोई भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो हमें बताते हैं। उसके बाद फिर हम एनालिसिस करते हैं, और आफ्टर एनालिसिंग जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसके द्वारा हम उनकी एक नई प्रोफाइल को मेंटेन करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं उनकी प्रोफाइल को हम अपडेट करते हैं, फिर हम उन्हें डॉक्यूमेंट डिलीवरी करते हैं। तो ये सारा जो प्रोसीजर है वो चेन की तरह मतलब कंटिन्यू चलता रहता है। और आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा आपको। और ये एक फ्लो डायग्राम की मदद से हमने इसके प्रोसेस को आपको बताया। और अब हम बात कर लेते हैं कि डिफरेंसेस क्या हैं करंट अवेयरनेस सर्विस और HDI सर्विसेज के बारे में। तो HDI और करंट अवेयरनेस सर्विसेज जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके डिफरेंसेस से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि करंट अवेयरनेस सर्विस जो है वो कॉमन टू ऑल यूजर्स है, यानी कि जो कॉमन मतलब ये सभी यूजर्स के लिए कॉमन है। और जो भी लाइब्रेरी के यूजर्स हैं उनको हम लोग करंट अवेयरनेस सर्विस प्रोवाइड कराते हैं रिगार्डिंग द न्यू कलेक्शन या फिर न्यू जर्नल्स या रिसर्च या जो भी कोई इवेंट्स होता है, तो उसके रिगार्डिंग हम सभी यूज़र्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्प्ले बोर्ड और ओरिएंटेशन प्रोग्राम और न्यू अराइवल्स के थ्रू। और अगर हम बात करें HDI की, तो ये पर्सनलाइज सर्विस है और हम पर्सनल लेवल पर जाकर स्पेसिफिक टाइप यूज़र को
उनके नीड और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। और नेक्स्ट है द सब्जेक्ट कवरेज इज़ द ब्रॉडर, यानी कि अगर हम बात करें करंट अवेयरनेस सर्विस की, तो इसमें सब्जेक्ट जो कवर होता है वो ब्रॉडर लेवल पे होता है, यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन हम यूजर्स को प्रोवाइड कराते हैं और वो अपने हिसाब से उस इन्फॉर्मेशन को अपने नीड के अकॉर्डिंग वो ले सकता है। और अगर हम बात करें SDI की, तो इसमें हम स्पेसिफिक टाइप ऑफ यूजर को उनके नीड के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि उनका टाइम भी सेव होता है। और अगर हम बात करें करंट अवेयरनेस सर्विस की तीसरे पॉइंट की, तो इट कैन बी सीन इन ऑल लाइब्रेरी, यानी कि जो करंट अवेयरनेस सर्विस है वो सभी प्रकार की लाइब्रेरीज में हम देख सकते हैं, चाहे वो छोटी लाइब्रेरी हो या बड़ी लाइब्रेरी हो। और जो STI है वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक बड़ी लाइब्रेरीज या स्पेशल लाइब्रेरीज में ही देखने को मिलती है। और ज़्यादातर R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट लाइब्रेरीज या फिर IITs लाइब्रेरीज में भी ये सर्विस देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक टाइप ऑफ यूज़र होते हैं। और करंट अवेयरनेस सर्विस में फोर्थ पॉइंट है दिस सर्विस कैन बी ऑपरेटेड विदाउट अ कंप्यूटर, यानी कि जो सर्विस है करंट अवेयरनेस सर्विस, ये बिना कंप्यूटर के भी पॉसिबल है, क्योंकि इसमें कोई मैकेनिज्म या किसी भी प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और STI में हमें कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें हम लोग एक मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं, डेटाबेस तैयार करते हैं, प्रोफाइल तैयार करते हैं, तो इसमें हमें कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है। और बात करें अगर नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट की, तो फीडबैक इज़ नॉट रिक्वायर्ड ऑन CAS, यानी कि फीडबैक की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें करंट अवेयरनेस सर्विस में। वहीं बात करें अगर STI की, तो हमें उनकी प्रोफाइल, यूज़र की प्रोफाइल को मेंटेन करने के लिए फीडबैक की आवश्यकता पड़ती है, और ये जो फीडबैक है वो एक बहुत बड़ा ही मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है STI के रिगार्डिंग। CAS इज़ प्रोवाइडिंग बाई सर्कुलेटिंग द करंट लिस्ट ऑफ पीरियोडिकल्स एमंग ऑल द यूज़र्स। तो यहाँ पर ही बात की गई है कि जो करंट अवेयरनेस सर्विसेज में हम जो भी जर्नल्स होते हैं या जो पीरियडिकल्स होते हैं वो सभी यूज़र्स को प्रोवाइड कराते हैं। और अगर बात करें इसी में STI की, तो जो यूज़र या जो रीडर होते हैं उन्हें हम पिन पॉइंटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं या फिर रिफाइंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि उनके नीड और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिससे कि उनका टाइम सेव होता है। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट है टू अवेयर द यूज़र अबाउट न्यू कलेक्शन इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो करंट अवेयरनेस सर्विस का मेन मोटिव ये होता है कि हम यूज़र्स को न्यू कलेक्शन से अवेयर कराएं। और STI में भी सेम होता है, बस एक रिफाइंड इन्फॉर्मेशन हम उन्हें शेयर करते हैं, जिससे कि उनके जो इम्पोर्टेंट टाइम है वो सेव होता है। तो ये डिफरेंसेस थे जिसके माध्यम से करंट अवेयरनेस सर्विस और STI में कौन कौन से डिफरेंस होते हैं, कौन कौन से अंतर हैं, आपको क्लियर हुआ होगा। तो आई थिंक STI और CAS का ये जो टॉपिक है वो आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।